हेलो दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ टाइम ट्रैवलिंग। दोस्तों, आज की इस दुनिया में बहुत सारे अनसुलझे रहस्य हैं जिनका सच आज तक कोई नहीं जान पाया है, और उन्हीं में से एक है टाइम ट्रैवलिंग यानी कि समय यात्रा। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये दावा किया है कि वो टाइम ट्रैवल कर रखे हैं, लेकिन ये समय यात्रा एक ऐसी ही कहानी है जैसी कि भूत की। जिसने देखा वो यकीन करता है और जिसने नहीं देखा वो यकीन नहीं करता। और आज की इस वीडियो में आप एक ऐसे ही टाइम ट्रेवलर के बारे में जानोगे जिसने जापान की पुलिस को हैरान कर दिया। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो दोस्तों, चलो आज से करीब 66 साल पहले, सन 1954, जापान इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक व्यक्ति प्लेन से उतरता है और सामान्य लोगों की तरह इंक्वायरी काउंटर की तरफ बढ़ता है। पुलिस वहां उसका पासपोर्ट चेक करती है। यहां तक तो सब सामान्य रहता है, लेकिन जब वहां के कर्मचारी उसके पासपोर्ट पे उसके देश का नाम देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसके पासपोर्ट पे देश का नाम टॉरड लिखा हुआ था। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये थी कि टॉरड नामक देश इस दुनिया में है ही नहीं। तो आखिरकार कौन था वो व्यक्ति, क्योंकि वहां के कर्मचारी को टॉरड नामक देश के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। जब उस आदमी से पूछताछ की गई तो पता चला कि वो फ्रांस के पास एक देश है, वहां रहता है और जापान कंपनी के काम से आया है। पहले तो उस आदमी के बातों पर पुलिस ने यकीन नहीं किया, लेकिन जब उसके पासपोर्ट की इंक्वायरी की गई तो पता चला कि उसके पासपोर्ट पे जो मोहर है वो बिल्कुल सही है। लेकिन उस आदमी के मुताबिक वो जापान पिछले 10 सालों से आ जा रहा है और आज तक उसे किसी ने नहीं रोका। पुलिस ने जब उस आदमी के बताए हुए कंपनी में पूछताछ की तो पता चला कि वो कंपनी उस आदमी को जानती ही नहीं। इसके बाद पुलिस ने उसके बताए हुए होटल में भी उसकी बुकिंग के बारे में पता किया, लेकिन वहां भी उसका कोई बुकिंग नहीं मिला। लेकिन पुलिस ने जब उस व्यक्ति के डॉक्यूमेंट देखे तो सब ओरिजिनल थे और उसके पासपोर्ट पे खुद जापान का मोहर लगा हुआ था। अब पुलिस ने उस व्यक्ति के सामने वर्ल्ड मैप रखा और बोला कि दिखाओ कहाँ है तुम्हारा देश। लेकिन उस व्यक्ति ने एंडोर नामक देश के ओर इशारा करते हुए कहा कि ये उसका देश है। लेकिन उसके मुताबिक उसके देश के नाम के साथ छेड़छाड़ हुई है और उसका देश करीब 1000 सालों से बसा हुआ है। कस्टम पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उन्होंने उस अनजान व्यक्ति को होटल के एक कमरे में नजरबंद कर दिया। अधिकारियों को ये लगा कि उन्हें इस रहस्यमयी व्यक्ति से पूछताछ करने के लिए कुछ समय मिलेगा। लेकिन सुबह होते ही सारी दुनिया हैरान हो गई, क्योंकि वो व्यक्ति उस नजरबंद कमरे से गायब हो गया। कुछ लोगों के मुताबिक हुआ व्यक्ति टाइम ट्रेवल करके हमारे ग्रह पर आ गया था, लेकिन इसके पीछे का राज एक रहस्य बना हुआ है। तो शायद ये मुमकिन हो सकता है कि हमारी धरती की तरह एक और दूसरा ग्रह है जहाँ पे सारे देश सेम है, सारी जगह सेम है, लेकिन आज 66 साल बाद भी उस व्यक्ति के बारे में कुछ पता नहीं चला। लोगों के मुताबिक हुआ व्यक्ति इस दुनिया का सबसे रहस्यमय व्यक्ति माना जाता है।